पवित्रताशीश्वर दर्शन हम पाए, पवित्रता को पाने का ज्ञान भक्ति से। वर्ष 2020 के 3 महीने बीत चुके हैं और अब तक इस वर्ष हमारे लिए कोई भी खुशखबरी नहीं लेके आया, और यह लग भी नहीं रहा कि आने वाले दिन भी खुशखबरी के दिन होंगे। कोरोना वायरस के जरिए दुनिया के कोने कोने में नरसंहार चल रहा है। पूरी दुनिया में सन्नाटा छाई हुई है, लोगों के मन में भय का माहौल है। तो ये स्वाभाविक है कि हमारे मन में ये सवाल उठे कि आखिर यीशु मौत क्यों है। हमारी इस दुर्दशा से, हमारी प्रार्थनाओं से, हमारी आंसू से यीशु दूर क्यों है। लेकिन हकीकत बोलो, सच्चाई बोलो, तो ईश्वर दूर नहीं है और ना ही ईश्वर मौन है। पहले से अधिक इस समय, इस दुख के समय ईश्वर हमारे करीब है। पहले से अधिक इस समय ईश्वर का वचन हमें पुकार रहा है। मैं आपका ध्यान सुसमाचार की एक घटना की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। लाजरस की मृत्यु हुई 3 दिन बीत चुके हैं। उसका लाश कब्र में बंद है। कब्र के अंदर बदबू और बाहर उसकी बहनों का, उसके मित्रों का, पूरे गांव वासियों का विलाप, रोष, शिकायत। ऐसे में प्रभु उस वक्त वहां पहुंचे। सबकी नजरें उस पर टिकी। सब कोई यह सुनना चाह रहा था कि उसकी जुबान से क्या बात निकलेगी। प्रभु ने शांत भाव से ये कहा, देखो जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, जो भी हुआ इसलिए हुआ कि ईश्वर की महिमा प्रकट हो जाए। मृत्यु में, हादसे में ईश्वर की महिमा। लेकिन सच्चाई वही थी, क्योंकि प्रभु के कहते ही ये सच्चाई साबित हुई। कब्र खुल गया, लाजरस के लाश में फिर जान आ गया, और वहां जो कोई भी उपस्थित है हरेक के दिल में विश्वास फिर जाग गया। ईश्वर की महिमा हुई, ना केवल लाजरस में, वहां उपस्थित सब किसी में ईश्वर की महिमा प्रकट हुई। उनकी जीवन शैली बदली, उनकी जीवन की तरीका बदली, उनके जीवन के जो सफर है उसकी दिशा बदली। आज भी यही हमारी मुक्ति का समय है, और यहां आज की इस अवस्था में जिसे हम दुर्दशा कहें हमारी, इससे और इसमें प्रभु की महिमा जरूर प्रकट हो। पुराने विधान में कुछ ऐसी घटनाओं का विवरण है जिसका मैं परामर्श करना चाहूंगा, जिसे लोग हादसा मानते हैं, लोगों की तरफ ईश्वर की सजा मानते हैं। लेकिन उन सब में प्रभु की तरफ से हम सब के लिए एक संदेश था। बाबेल का मीनार जब तोड़ा गया, लोग चित्राए गए दुनिया भर में, उसमें प्रभु का संदेश क्या था? संदेश तो ये था, यदि मनुष्य गर्व करें तो ना अपनी हैसियत पर,
लेकिन ईश्वर की हैसियत पर गर्व करो। बाद में नूह के समय जब जल प्रलय हुआ और पृथ्वी पर से सब जीव जंतु हटाया गया, हर प्राणी हटाई गई सिवाय नूह, उसके परिवार, और उसने हर एक जीव जंतु के दो दो जोड़ी पोत में आंख में ले आए। उसके सिवाय बाकी सब पृथ्वी भर से पृथ्वी के मुख से मिटाए गए। प्रभु का संदेश क्या था? वहां भी प्रभु ने साफ साफ संदेश दिया। प्रभु ने यह कहा कि जिनकी आस्था प्रभु में है, जिनकी आंखें प्रभु पर टिकी हुई होती है, उनके बारे में प्रभु कभी भी भूला कट नहीं होता। सोदोम और गोमोरा की शहर पर जब आग की अंगार बरसाए गए, तब भी प्रभु ने एक परिवार का ख्याल रखा, लोत और उसके परिवार का। और इससे यह दर्शाना चाहा, यह समझाना चाहा कि जो प्रभु के अपने हैं, जो ईमानदार होते हैं, जो प्रभु में आस्था रखते हैं, प्रभु उनको कभी भी भूलते नहीं हैं, भूलते प्रभु की कृपा की छाया उन पर बनी रहती है। बाबिल के मीना का गिरना, नूह के समय का जल प्रलय, सोदोम और गोमोरा के शहरों पर आग बरसाना, ये सब जितने भी हमारी सर्वनाश की कहानी है उससे अधिक, उससे कहीं गुना अधिक हमारी मुक्ति की कहानी है। तो भाइयों, आज जो भी हो रहा है वो जितने भी भयंकर क्यों ना लगे, लेकिन यह अवश्य हमारी मुक्ति की कहानी बनेगी। तो यह हमारी जिम्मेदारी भी, प्रतिकूल परिस्थितियों को अनुकूल परिस्थितियों में बदलने की जिम्मेदारी। इस सर्वनाश की कहानी को हमारी मुक्ति की, हमारी रक्षा की कहानी में बदलने की ये हमारी जिम्मेदारी है। यह तभी संभव होगा जब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में, मेडिसिन में, हमारी हैसियत में हमारा भरोसा, हमारा विश्वास उतर जाएगा, उसके ठीक अनुरूप ईश्वर में, उसके वचन में हमारा विश्वास और भरोसा बढ़ेगा। सरकार कह रही है कि सोशल डिस्टेंस बनाए रखिए, सामूहिक दूरी बनाए रखिए। डिस्टेंस, दूरी हम बनाए रखेंगे सोशल डिस्टेंस, ना कि स्पिरिचुअल डिस्टेंस, आध्यात्मिक दूरी नहीं, क्योंकि यह वो समय है जब हम प्रभु की ओर निकट आए, ईश्वर वचन के और करीब आ जाए। उसमें जो शक्ति है, ईश्वर वचन में जो ताकत है, उसकी जो वफादारी है, उसको परखें और समझें। इसके लिए हम एक स्पिरिचुअल क्लोजनेस, स्पिरिचुअल नियरनेस बनाए रखने की जरूरत है। हम कामयाब होंगे, जरूर हम कामयाब होंगे, न केवल कोरोना वायरस पर बल्कि हर चुनौती में, क्योंकि पहले से अधिक ईश्वर आज हमारे करीब है। पहले से अधिक आज हम जान जाएंगे, हमें ये एहसास होगा कि ईश्वर का वचन वफादार है, उसमें शक्ति है, उसमें ताकत है। उस ताकत के चलते, उस शक्ति के चलते हम अवश्य कामयाब होंगे।